सक्सेस इज अ पीस ऑफ माइंड नोइंग दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट। जी हाँ, आज ऐसे ही सक्सेसफुल कैंडिडेट से हमारी बात होगी, सक्सेसफुल ऑफिसर से हमारी बात होगी, जिनके दिमाग में हमेशा एक चीज क्लियर रही है कि वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। सो पीस इन माइंड, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम। और SSC जैसे एग्जाम की अगर बात करें तो इसका रोल बहुत बड़ा है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के इस टॉपर के साथ, हमारे आज के सक्सेसफुल ऑफिसर के साथ, प्रियांशु यादव। यस, कैसे हो आप? बढ़िया सर, थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 61, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस सर, ऑल इंडिया। सो ऑल इंडिया रैंक 61 इज नॉट अ जोक, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। कई लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं कि क्या पहले अटेम्प्ट में ये पॉसिबल है, क्या पहले अटेम्प्ट में ये चीजें हो सकती है, क्या किस तरीके से मेहनत की है, कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और SSC जैसे इतनी बड़ी एग्जाम जहां पे लाखों स्टूडेंट अपनी किस्मत आजमाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, डिफिकल्ट भी है नो डाउट, तो पहले अटेम्प्ट में कैसे क्या क्लियर कर लिया, सारी बातें जानेंगे, सारी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, और इनकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या थी, इनका सक्सेस मंत्रा क्या था, उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी जाएंगे नो डाउट, और आपके जो भी सवाल होंगे जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसे भी आंसर किया जाएगा। सो यस सर, आप एक बात बताइए, जो पहला अटेम्प्ट है उसमें आपने क्लियर किया, तो कुछ अलग जड़ी बूटी वाला कुछ लिया, या फिर क्या प्रिपरेशन का मोड क्या था? बेसिकली इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कुछ भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए, यू नीड टू बी काम, पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ अपनी स्टडी करते हैं, सारे जो प्रॉपर मेथड्स हैं जो टीचर्स आपके बताते हैं आप उनको फॉलो करते हैं, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम इजीली। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जाम क्लियर हो गई जब वो रिजल्ट आ गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? सर पहले तो एकदम, क्योंकि शाम को रिजल्ट आना था, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने बता नहीं रखा था कि आज आएगा या कल आएगा, एक्सपेक्टेड था कि आज आ जाएगा, तो जब आया रिजल्ट तो उस टाइम पे आई वॉज लाइक सुपर हैप्पी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मार्क्स वगैरह पता चल जाते हैं इसमें, तो इतना सडन नहीं होता, बट फैमिली का जो रिएक्शन होता है वो अनबिलीवेबल होता है, बिल्कुल ऑलरेडी उनको पता होता है, उसके बावजूद माय फादर वाज वेरी हैप्पी, पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी, डेफिनेटली बहुत ही जॉयस मोमेंट था, नो डाउट। वो जो ना, क्योंकि SSC में होता है हमारे पास चीजें क्लियर होती कि इतने मार्क्स मिल सकते हैं या चीजें हो सकती है, बट वो जो ऑफिशियल स्टैंप लगता है ना वो बड़ी अच्छी बात होती है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सब लोग पूछते हैं यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या एग्जैक्टली आपका प्रिपरेशन का मोड कैसा रहा, आपने क्या सोचा कि यार इसे क्लियर करना ही है? जब मैंने प्रेप शुरू करी थी तो इस तरीके का मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इतना करना है या इतना करना है, मेरा एक मोटो था कि मैं अपनी तरफ से पूरा करता जाऊंगा, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा है, बिकॉज वो अपने पे डिपेंड नहीं कर रहा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने किया, उसके अलावा जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरीके का मंत्र था और मैंने अपना फुल दिया। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है, या बहुत सारे ऐसे कि जो काफी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको मैच्योर स्टूडेंट्स कहते हैं, दो तीन अटेम्प्ट हो गए हैं फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है। सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन प्रिपेयरिंग फॉर दिस SSC एग्जाम्स, सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से मीन्स पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट? सर अर्ली डेट से बताऊँ या मैं ग्रेजुएशन? अर्ली बिल्कुल। तो मैं एक लखनऊ, क्योंकि पॉपुलर है ऑलरेडी सबको पता होगा, सो लखनऊ के पास एक टाउन है सीतापुर, ओके वहाँ से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर एक स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 12th तक स्टडी करी हुई है, और उसके बाद मैथ्स में इंटरेस्ट था तो, और क्योंकि रिजल्ट 12th का काफ़ी अच्छा आया था तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हुआ है। उसके बाद ये
जब ये वाला फेज हो रहा था उस समय कोविड का पीरियड आ गया था 2020 यस। सो मेरा जब फाइनल ईयर था रिजल्ट आया उसके बाद से थोड़ा सा, क्योंकि फाइनल ईयर में आपके दिमाग में वो थिंकिंग आने लगती है कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, आगे क्या करना है, यस यस, वो थॉट प्रोसेस शुरू हो गया था। ओके तो फिर उसके बाद जब ये वाली सारी बातें होने लगी फिर थोड़ा सा डिस्कस किया घर पे, वहां से एसएससी के बारे में पता चला, वहां से प्रेप शुरू। सॉरी टू कट यू बट आफ्टर ग्रेजुएशन यू डिसाइडेड टू गो फॉर एसएससी इन द लास्ट मंथ ऑफ फाइनल ईयर, यू कैन से। क्या बात है यार, मींस उस मोमेंट पे नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर करने वाले होते हैं, मींस हमने कई सारी कहानियां सुनी है, कई सारे लोगों को देखा भी है कि जिन्होंने डिसाइड कर लिया था पहले कि नहीं इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है और ग्रेजुएशन में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और एंड पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, तो हम समझ भी सकते यार प्रिपरेशन का फेज काफी बड़ा था। विथ यू यू डिसाइडेड ऑलमोस्ट लाइक एग्जाम देने के बाद, तो यार मेहनत तो काफी की आपने फिर। क्योंकि उस समय जब ग्रेजुएशन चल रहा था तो मैथमेटिक्स ऑनर्स चल रहा था तो वो खुद में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी था थोड़ा सा, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो लाइफ थोड़ा सा लूज टाइप की हो जाती है, बिल्कुल, तो जीना होता है ना हमें। यस सर, बस वही वही। सो उस टाइम पे इतना ज्यादा कोई मार्क नहीं करता क्या करना है, बट वो ये लास्ट ईयर के टाइम आते आते सबको लगने लगता है कि अब कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ही केवल थॉट प्रोसेस हमारा शुरू हुआ। और जब आया तो मेरे दिमाग में था कि सारे उधर, एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेरा कॉलेज वगैरह जहाँ पे मैं रुक रहा था उधर यूपीएससी का बहुत बहुत ज्यादा माहौल है, वही होता है, सब कोई यूपीएससी कर रहा था, हाँ, एवरीबॉडी वाज डूइंग यूपीएससी, क्योंकि मैं जिस जगह रुक रहा था वहाँ पे सारे भैया लोग वगैरह यूपीएससी कर रहे थे। तो मेरे भी दिमाग में आया कि व्हाई नॉट गो फॉर यूपीएससी, इट्स द बेस्ट, वी शुड गो। चार में उसका, यस सर, बिल्कुल। सो लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा लॉजिकली सोचने लग गया, फैमिली बैकग्राउंड को भी देखना था, और जब लॉजिकली एक बार सोचा मैंने, घर पे थोड़ा सा डिस्कस किया, तो जो बड़े भाई थे उन्होंने ये बोला कि आप यूपीएससी को बाद में कर लेना, पहले एक बार एक इनिशियल फेज में कुछ स्टार्ट कर लो, एक लॉन्च पैड जैसा आपने ले लिया, बिल्कुल, और फिर उसके बाद आप यूपीएससी पे हॉप ऑन कर जाना। सही बात है। तो वहीं से बेसिकली एसएससी के बारे में जो है निकल के बात आई। ओके। और उसके बाद से फिर बेसिकली वही। चलो सही बात है, ये गाइडेंस होना बहुत जरूरी है कि यार कहाँ से, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपने मेंशन किया या मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि एक बैकग्राउंड होता है, सब यूपीएससी करते हैं, हम भी शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर बाद में कुछ दिनों बाद पता चलता है यार कि ये शायद हमसे ना हो पाए, तो हमें फिर एक दो स्टेप पीछे लेनी पड़ती, तब तक शायद एक साल निकल जाए, तब तक शायद दो साल निकल जाए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने लॉजिकली चीज़ों को ब्रेक डाउन किया, वेरी गुड। यस, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था क्योंकि टाइम इज मनी, अगर आप अपनी लाइफ के वो प्रेशियस ईयर्स जो शुरुआत के यंग एज के हैं, यस, वो वाले अगर चले गए उसके बाद वो वापस नहीं आने, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो उसको सोच समझ के डेफिनेटली करना चाहिए। एग्जैक्टली, आपको समझ में आया स्टार्टिंग में मैंने क्यों कहा था कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल पीस, यू कैन सी, आप इनके आंसर्स में भी देख सकते हो कि द थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर। अपना एक बात की कि मैथमेटिक्स ऑनर्स, यार मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें आपने ऑनर्स किया हुआ है, उसे परस्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें भी बड़ा बेहतरीन सा करियर लोग कर ही लेते हैं। यस सर, बेसिकली कारण ये था कि जब मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था, क्योंकि ट्वेल्थ में जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स का थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि जो ट्वेल्थ में होती है और जो ग्रेजुएशन में आती है, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है, ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स नहीं होती। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की मैथ्स बिल्कुल डिफरेंट लगी मेरे को। मुझे वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज हुई कि आई डोंट लाइक दिस ओके दैट मच ओके दैट आई लाइक्ड इन ट्वेल्थ। सो वहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि मैथमेटिक्स एज अ करियर परस्यू करना लॉन्ग रन में मे बी सही डिसीजन नहीं होगा। ओके यस। और उसके अलावा दूसरा रीज़न था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत एवरेज उस मिडिल क्लास वाला फैमिली बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी एक जॉब की जरूरत थी। फादर क्योंकि सिंगल हैंडेडली ब्रेड अर्नर हैं घर के, और
कोई होता नहीं, अगर सिंगल में प्रॉब्लम बहुत होने लग जाती है, अगर पापा को कोई दिक्कत हो जाए तो फिर उस जगह पे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोई ना कोई हाथ बटाने वाला चाहिए था। तो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल जो है जॉब चाहिए थी। तो ये दोनों रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे लगा कि एसएससी जो है वो सबसे बेस्ट केस है, जहाँ पे मेरे को जल्दी जॉब भी मिल सकती है और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था इसमें कि हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सॉरी सर, नहीं बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को कि मैं एमईए ले लूँगा या इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। इस चीज़ का था कि अगर हार्डवर्क किया तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आ जाएगा। अब भाई यार उस सिचुएशन में थोड़ी पता होता है कि क्या एग्जैक्टली कहाँ पे लैंड अप होंगे। हमारा काम है मेहनत करना और जो आपने की है। यस, यू आर सेइंग दैट लाइक मिडिल क्लास फैमिली, लाइक एवरीवन एंड फादर सोल अर्नर है। चलो थोड़ा सा फैमिली पे बात कर ही लेते, उनका बहुत बड़ा रोल होता है तो उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। सो फादर साहब क्या करते हैं? पापा केमिस्ट हैं। ओके, जहाँ जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं पे पड़ोस में उनका एक मेडिकल स्टोर है। ओके, तो पापा वही मेडिकल स्टोर चलाते हैं। बाकी मेरे चाचा हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वो भी मदद करते हैं वही मेडिकल स्टोर में। सो बेसिकली वो एक हमारा अपना छोटा सा बिजनेस है। इसके अलावा घर में मम्मी होममेकर है और बड़े भैया हैं, बड़े भैया ऐसे में वो भी मेरी तरीके से प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं। ओके, चलो सही है। तो घर में मिस फादर, कोविड 19 के वक्त में आपका ये सारा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, तो घर पे पापा का वर्क में प्रेशर भी काफी रहा होगा बिकॉज सारा सिचुएशन हैंडल करते हुए। तो उस वक्त में आपने कभी दिमाग में ये नहीं आया कि यार चलो फादर साहब को ही मदद करते हैं, उनके बिजनेस को थोड़ा बड़ा करते हैं? बिकॉज आजकल स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, काफी सारी बातें हो रही है। सो वो ख्याल कभी नहीं आया आपके दिमाग में? सर आज भी आता है। ओके, मैं ये डेफिनेटली सोचता हूँ इस बारे में कि क्यों ना बिजनेस को ही खुद बड़ा करें। पर मेरे पापा ने पहले ही बता रखा था कि अभी कोई नीड नहीं है, तुमको पूरी छूट है, अपने आप से अभी जाओ कुछ करो, जब कुछ नहीं होगा तब आना इधर, तब डेफिनेटली मिलके हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ, बट अभी तुम्हारे पास छूट है, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है, इयर्स है, जाओ अच्छे से पढ़ो वहाँ पे। क्योंकि कोविड, जब 2020 में कोविड आया, मेरा फाइनल ईयर था, मैं मार्च में होली के टाइम पे दिल्ली से सीतापुरा गया था जहाँ मैं रहता हूँ। यस, तो वहाँ पे उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन लग गया मैं वापस भी नहीं जा पाया, फिर वहीं से सब कुछ पेपर वगैरह हुए ऑनलाइन वगैरह। फिर उसके बाद से बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि घर पे प्रेप करना, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेरेंसेस होते रहते हैं घर पे, ये है वो है। मेरे केस में बहुत ज़्यादा वो अच्छी चीज़ निकली क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो एक भी चीज नहीं करने देते हैं मेरे को कि पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना, वो सब हम कर लेंगे। सारा कुछ उन्होंने पूरा टाइम दिया, पूरा अपॉर्चुनिटी दिया पढ़ने का, कि क्योंकि मैं एक अपना सेपरेट स्टडी टेबल था, वो मेरे को अपना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है घर से। तो मेरे बड़े भैया उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो बेसिकली ये था कि सब लोग समय दे रहे थे, टाइम मिला, अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे लिए वो बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं वहाँ दिल्ली में होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो जाता है, थोड़ा सा पीजी वाला माहौल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम वेस्टेज होता है। पर घर पे सुपर स्ट्रिक्ट हो गया और बहुत सारे और रीजन है, जैसे कि खाने का रहता है। सबसे बड़ा वही है बहुत बड़ा रीजन रहता है ये पीजी में बहुत गंदा खाना मिलता है, बहुत गंदा खाना है, हम भी भुगत चुके हैं। तो उस चक्कर में वहाँ पे और फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। घर पे बहुत सारी चीजें ऐड डिमांड मिलती हैं, बिल्कुल हाथ में मिलती हैं, जब इतना सब मिल रहा था तो डेफिनेटली। ऐसे सिचुएशन जब होते हैं ना, सब कुछ मिलता है, तो हमें फिर वो भी लगता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। यस, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है भैया के, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और वो बहुत सही तरीके से आपने यूज किया, चलो बढ़िया ना। एक बड़ी अच्छी बात है और ये हो रहा है, सब बहुत सारे जितने सिलेक्टेड लोगों से हमारी बात होती है, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी जनरेशन ने वो स्ट्रगल देखा है और वो नहीं चाहते कि अपने बच्चों को दे। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया, तो नो डाउट अबाउट दैट। एसएससी, चलो अभी आते हैं एसएससी की तरफ। तो इस प्रिपरेशन में जब आपने यू स्टार्टेड द प्रिपेरिंग फॉर द एसएससी, कैसा था आपका माइंडसेट, क्या था, और अलग अलग टीयर्स आपके सामने होते हैं? और प्रिपरेशन में ऐसा ना कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आती है, कुछ भी कर लीजिए, कि जब आप सपोज टीयर वन की प्रिपरेशन करो या टीयर टू की प्रिपरेशन करो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार कि ये मुझसे हो पाएगा या मार्क्स कम आ रहे मॉक टेस्ट में। सो हाउ यू हैंडल दैट?
अक्टूबर 2020 के टाइम पे मैंने प्रेप शुरू करी थी। हाँ। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ एक बार, बिल्कुल बिल्कुल, कि अक्टूबर 2020 के अराउंड मैंने अपनी प्रेप शुरू करी थी। उस समय नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ था 2020 का। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 23 दिसंबर को, आई गेस इफ आई एम राइट, 23 दिसंबर को जो है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और उससे पहले मैंने प्रेप इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि पता था कि आनी ही आनी है नोटिफिकेशन, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तब मैं पढ़ूंगा। वो डेफिनेटली ना करो, आप पहले से क्योंकि करने लग जाओ नोटिफिकेशन आएगी वो ही पैटर्न रहेगा क्योंकि मैथमेटिक्स चेंज नहीं होने वाली और इंग्लिश भी चेंज नहीं होने वाली, तो आप वो पहले से पढ़ लो। तो फिर अक्टूबर से मैंने प्रेप शुरू करी। वहाँ पे ये था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा आइडिया नहीं था कि एसएससी में क्या क्या है, तो एक काम किया, सबसे पहले तो जाके मैंने YouTube पे एज अ सोर्स गया, वहाँ पे देखा कि है क्या, कैसे पैटर्न है। Exactly. और मेरे बड़े भैया उनको काफ़ी कुछ इसमें जानकारी थी कैसे क्या है, तो उसमें उन्होंने भी बहुत सारी मदद की। अब मैं सेक्शन बाय सेक्शन बताता हूँ आपको, जब क्योंकि टीयर वन में चार सेक्शंस हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा सा ईजी था मेरे लिए, था तो वो मैंने, मेरे भैया उन्होंने बोला कि एक बुक आती है राकेश यादव की, 7000 सीरीज वाली बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंपाइल होते हैं। तो वो वाली बुक शुरू करो क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो वाली बुक शुरू करो, उससे करो और उसके बाद धीरे धीरे नोट्स बनाते जाना। तो मैथमेटिक्स का ये था, मैंने वो वाली बुक ली, उसके बाद एक एक चैप्टर करता गया। और जब एक चैप्टर मैं कर रहा था तो वो वाले क्वेश्चन जैसे जो मेरे से नहीं लग रहे वो वाले क्वेश्चन मैंने टिक मार लिए। और उसके बाद एट द एंड ऑफ चैप्टर मैंने एक कॉपी उठाई और सारे नोट्स बना लिए जो जो मैंने उस चैप्टर से सीखा। हाँ, सारे नोट्स बना लिए। हाँ, उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरी मैथमेटिक्स की बुक के लिए करा। ओके, एक बार ये हो गया, फिर सेकंड टाइम फिर उस बुक को मैंने किया। सेकंड टाइम क्या किया, वो क्वेश्चंस जो मेरे को आ रहे थे पहले से उनको रफली देख लिया कि यप ये हो जाएगा, वो थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन कर लो, आइडिया लग जाता है, कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रोसेस पता चल, प्रोसेस तो पता चल गई, बिल्कुल। वो हो गया तो वो वाले छोड़ दिए, फिर वो जो टिक वाले थे वो दोबारा से किए। ओके, अगर टिक वाले इस बार हो गए तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मोस्ट प्रोबेबली 1, 2 or 3 टाइम्स मतलब ये वाली बुक मैंने करी है, करी है, प्रॉपर नोट्स बना लिए थे। इससे नोट्स बनाने से बहुत फायदा हो जाता है कि रिवीजन करने में बहुत रिवीजन करने में हेल्प हो जाती है। मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं एक चैप्टर को रिवाइज करने में अगर आपके अच्छे नोट्स बने हुए हैं। यस। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश का था, इंग्लिश का थोड़ा सा बैकग्राउंड था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इंग्लिश में मेरे को, बट इसमें क्या है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट बहुत रोट लर्निंग का है। वोकैब, यस, वोकैब वो शेक्सपियरियन टाइम की पूछने लग जाते हैं। हाँ, yes. तो वो अभी की इंग्लिश में यूज नहीं होती, वो आपको रटनी ही पड़ेगी, दैट्स द बेटर थ्रू। तो वहाँ पे क्या किया, नीतू सिंह की एक बुक आती है, नीतू मैम है उनकी एक बुक आती है पैरामाउंट समथिंग करके, उस बुक में ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं, एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है वोकैब के लिए। ग्रामर के रूल्स वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं था। हाँ, मैंने एक बार डेफिनेटली उसको पढ़ लिया और जो दूसरा वाला पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, वो मैंने बहुत दिल जान लगा के रटा है मैंने। ओके, वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से रटा है। हाँ, वो कंप्लीटली रट लिया। ओके, क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं था, बट थोड़े से आप स्मार्टली अगर करोगे, मतलब रटने के भी कई सारे तरीके हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो। हाँ, और तब बहुत मुश्किल होता है। कई लोग पूछते हैं कि इतना ज्यादा, क्योंकि उसमें मोस्ट प्रोबेबली 5000 से 10000 तक के वर्ड्स आपको वर्ड्स है, हाँ, रटने हैं। हाँ, इतना रटना मुश्किल होता है। उसका एक तरीका है कि अगर आपको रटना है तो आप उसको लैंग्वेज को यूज करना सीखो। अगर आपने कोई वर्ड लिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई की वो अपने फ्रेंड सर्कल में या जहाँ पे भी आप बात कर रहे हो उस जगह पे यूज करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं उनमें से जनरली बेसिकली समझ के करना है। समझ के करना है, रटे जा रहे समझ के करना है। जो अगर डेली लाइफ में उन चीजों को यूज करना शुरू कर दे तो बहुत कन्वीनियंट बन जाता है, कन्वीनियंट बन जाता है। ऑल्दो टोकेंगे बहुत लोग, उस तरीके के वर्ड्स कोई नहीं बोलता। हमारे बैकग्राउंड भी नहीं है ना वैसे कि हम सब इतने फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करें और ये सारे वर्ड्स यूज करें, हम नॉर्मली वर्ड ना यूज करें इंग्लिश के। अब जैसे सर वो बेट्रोथ करके वर्ड है। हाँ बिल्कुल, अब बेट्रोथ वगैरह के वर्ड्स कौन यूज करता है, सिंपल मैरिज। लोग बहुत बार कहते थे भैया शशि थरूर तो नहीं बनते। वही वही सर, इस तो ये वाला जो पार्ट है आप इसको समझ के अगर करते हो, आप ट्राई करो जितना ज्यादा समझ सकते हो, जितना ज्यादा सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो
और इसमें थोड़ा सा स्मार्टली आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। मैं यूजली क्या करता था, जो वर्ड लिया उस वर्ड को आप गूगल असिस्टेंट सबके फ़ोन में आजकल सबके पास, आप एक बार उसको इनवोक करके पूछो उसका मतलब क्या है, वो कुछ बताएगा, डेफिनेटली कुछ बताएगा आपको। वो एक वो जो प्रोसेस होता है कि आप एक बार सुन लिए और आपने खुद बोला, ये प्रोसेस बहुत अच्छा असर करता है लंबे टाइम तक रहता है रहने के लिए। तो इस तरीके से वोकैब कंप्लीट कर लिया। रीजनिंग क्योंकि बहुत टफ नहीं आती है, ये बैंकिंग नहीं है, एसएससी है, इसमें बहुत सिंपल रीजनिंग पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस से पेपर और मॉक्स कर लो, यू डोंट नीड एनी अदर सोर्स। इसके अलावा अगर किसी को रीजनिंग में कहीं कहीं कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, समटाइम्स वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो पजल वगैरह, पजल खैर इसमें नहीं आते, वो एक पार्ट आता है, सुडोकू जैसा होता है एग्जैक्टली, उसका मेरे को नाम नहीं आता, उस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, वो वाला भी बहुत ज्यादा कभी कभी बॉदर करने लग जाता है क्वेश्चन। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चले जाओ, बहुत ज्यादा सोर्स पड़े हुए हैं, कोई एक अच्छा सोर्स उठा लो। मोस्ट प्रोबेबली सबसे अच्छा सोर्स उठाने का तरीका यूट्यूब पे जाओ, सबसे ज्यादा व्यूज वाले पे जाओ, मोस्ट प्रोबेबली वो सही होगा। 100% अप्लाई नहीं होता ये रूल, तो वो अगर आप वहां पे जाते हो आपको वहां से सीखने को मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो वहां से, रीजनिंग वैसे हो जाएगी। फिर बचता है जीएस का पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा समय मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में आई थिंक जीएस को दिया है। 50 मार्क्स की हो उसके बावजूद वो वेट बहुत कैरी करती है, जो आपके वो 2-3 नंबर वहां से मिलेंगे वो आपकी रैंक में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बहुत बड़ा फर्क लाएंगे बिल्कुल। और जीएस का पार्ट भी बहुत छोटा नहीं है, आप सबसे पहले आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे पार्ट हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैंने ऐसे किया हुआ था, आप यूट्यूब पे जाओगे, एक अनुराग सर हैं, उनकी अपनी एक प्लेलिस्ट है एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न की, तो उनकी वो कुछ वीडियोज़ हैं, थोड़ा हैं वीडियोज़ ज़्यादा अमाउंट में है क्योंकि वो यूपीएससी के लिए उन्होंने पढ़ा रखा है, तो वो सारी आप एक बार वीडियोस गो थ्रू मैंने करी। मैं अपनी प्रिपरेशन का बता रहा हूँ, यू डोंट नीड टू डू दिस क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर किल हो सकता है, आप उससे कुछ और भी कर सकते हो, बट मैंने जो किया वो मैं बता रहा हूँ कि वो मैंने वो सारे वीडियोस एक बार गो थ्रू किए, उनसे नोट्स बनाए, एक पूरे प्रॉपर नोट्स बना लिए, और उसके बाद उसको कम से कम 2-3 बार उस हिस्ट्री के पूरे नोट्स को पढ़ा होगा। वहां से मैंने हिस्ट्री करी, ऐसे ही बायोलॉजी के लिए ज्ञान प्रकाश झा सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, 90 कुछ वीडियोस हैं बायो के लिए, वो पूरी वीडियोस देखी थी, उनके नोट्स बनाए प्रॉपर, वो नोट्स बना के फिर एक बार उसको भी 2-3 बार किया हुआ है। ओके, पॉलिटी के लिए लूसेंट की बुक आती है ना, बिल्कुल वही गोल्ड माइन बोलते हैं जीएस की, जीएस की गोल्ड माइन, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इतना उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। उसका पॉलिटी का जो सोर्स है वो काफी अच्छा है, उसमें बिल्कुल नोट फॉर्म में नहीं है, आप समझ भी जाओगे और याद भी कर सकते हो, तो उसके लिए पॉलिटी तो मैंने पूरी की पूरी लूसेंट से करी हुई है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ज्यादा पार्ट है, तो उसमें आप कुछ चीजें स्मार्टली कर सकते हो, जैसे कि एसएससी के पेपर्स में क्या पूछते हैं, माउंटेन्स कौन से बड़े हैं या इस तरीके से, सो आप एक माउंटेन्स का चैप्टर पढ़ लो, रिवर्स कौन सी है, लेक्स कौन सी है, प्लाटू कौन से हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो एक लिस्ट बना लो। मैंने एक लिस्ट बनाई थी, ऑलमोस्ट कुछ 50 टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स आप एक एक करके कहीं से भी सोर्स ले सकते हो, मतलब एक बार सर्च करो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। आप अगर टॉप 10 वाटरफॉल्स डालते हो इंडिया के, तो कोई ना कोई एक वीडियो मिल जाएगी जो आपको लिस्ट कर देगी, आप एक बार उनको लिख लो और आराम से वो हो जाएगा बेटर। ये ज्योग्राफी का पार्ट पूरा इससे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद स्टैटिक जीके बचती है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा आने लग गई है, बहुत ज्यादा इसके आप पोर्शन बढ़ गया है एसएससी में, तो स्टैटिक जीके के लिए आपको खुद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार सारे वो जैसे कल्चर वगैरह के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में है, लूसेंट के पीछे लिखा तो जरूर है, लेकिन उसमें बहुत लिखा है, वो सब कुछ ग्रास्प करवाना मुश्किल हो जाता है। तो आप वो सारे पहले टॉपिक्स उठाओ स्मार्टली जो आते हैं, ऐसे नहीं जो उसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे एसएससी से रेलेवेंट भी नहीं है। आप वो मत पढ़ो बिल्कुल। तो वो सारे टॉपिक्स जो एक एक करके आप उनकी लिस्ट बना लो या टिक मार लो उसी बुक में जी, और उसके अलावा जो उसमें नहीं दिए हुए हैं, जैसे एक पोर्शन है टेम्पल्स का, एसएससी में बहुत पूछ लेते हैं कि ये वाला टेम्पल, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ गया है, ट्रेंड बढ़ गया कि ये टेम्पल कहाँ है, वो टेम्पल कहाँ है, वो लूसेंट में नहीं मिलेगा, उसको पढ़ने के लिए या तो फिर बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ो या हिस्ट्री में जाओ, वो सब करना बहुत मुश्किल है। एक काम कर सकते हो कि आप वो टेम्पल्स की लिस्ट बना लो स्मार्टली, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर उठा लो और ऑनलाइन जाके देख लो कि ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनकी लिस्ट बना लो और उन टेम्पल्स को बेसिकली आप वहाँ से आप करो। इस तरीके से आप जो है स्टैटिक जीके कर सकते हो। लास्ट पार्ट बचता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लो, डिलीजेंटली फॉलो करो,
कंसिस्टेंट रहो सोर्स को लेके। आप रोज अगर एक वीडियो आ रहा है कहीं से भी देख रहे हो, आप उसको डेफिनेटली देखो जरूर। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं याद करने का। हाँ वही वही वही, मैं वो बात सही है। अपने केस में बताता हूँ, एक सर है राहुल मिश्रा सर, उनका करंट अफेयर डेली वो देते हैं, कहीं कभी इधर उधर कहीं चला दो, आप उनका नाम डाल दो तो मिल जाता है। वो देते हैं, मैं उनका एक वीडियो डेली एक घंटे का आता था, मैं देख लेता था, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी सोचना नहीं, बस केवल देख लिया, एक बार बैक ऑफ द माइंड में पड़ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट में जब आप पेपर देने के, सपोज करो आपका पेपर अगर 1 तारीख को है, 1 दिसंबर को है, तो आप उसके 1 महीना पहले आप प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 3 मंथ के, आजकल 3 मंथ ही मोस्टली पूछ रहे हैं, तो और उसके पीछे के अगर आपको करने, तो पहले 3 मंथ कर लो फिर वो करो। ओके, पहले 3 मंथ के उठा लो, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, टॉप 100 टॉप 300 इस तरीके से मिल जाती है, आप उनको उठा लो, आप देखोगे एक बार आप जब उनको, तो आपको लगेगा ये तो पता है, ये पता है, ये पता है, क्योंकि वो सुन रखा है बैक ऑफ द माइंड में, केवल एक बार गो थ्रू करना है। वो करोगे वहां से सारे करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाएंगे। ओके, ये पूरा इतना जीएस का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत वास्ट पार्ट है, टाइम बहुत ले जाता है ना। उसमें ऐसा कहता है ना कि आउटपुट इनपुट रेशियो की अगर बात की जाए, तो बहुत कुछ पढ़ना है और आने क्वेश्चंस कम है, तो ना एक बहुत बड़ी गलती काफी बार होती है स्टूडेंट्स के साथ कि यार इतना सब कुछ पढ़ना है तो इसमें से शॉर्टकट ढूंढने की हम बहुत बार कोशिश करते हैं। पर मेरे ख्याल से जितना आपने बताया, इनिशियल फेज में कोई शॉर्टकट तो है नहीं। नहीं सर, पहले आपको जाना पड़ेगा, देन व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर ओन नोट्स, तो धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी कम होते जाएगी जब आप रिविजन के एंगल में आओगे। सर, सबके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग जैसे अगर जो पॉलिटिकल साइंस से है, हाँ, जिस बैकग्राउंड से, तो उसके लिए इजी होगा, बहुत इजी हो जाएगा। मैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से था, मैंने कभी जीएस नहीं पढ़ी थी। थ्रू द स्कूल लाइफ वहाँ पे भी जीएस से बिल्कुल कतराता रहता था, पसंद नहीं है। और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स ले लिया, तो उसमें भी कोई कहीं पर भी जीएस का तो कोई रोल प्ले नहीं था। फिर उसके बाद मेरे पास एक चीज थी कि मेरे को आता नहीं है कुछ। हाँ। जीएस में मेरे को ये पता था, जब मैं पहला मॉक दिया था तो मेरे 80 मार्क्स आए थे। ओके, 200 में। हाँ। उसमें मैथमेटिक्स अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश के अच्छे मार्क्स थे, रीजनिंग के थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड कर सकते हैं, लेकिन जो जीएस थी उस 1-2 नंबर को बहुत ही खराब नंबर थे, मतलब बहुत ही गंदे मार्क्स थे। ओके, मुझे वहां से चीज रियलाइज हुई कि मेरे को जीएस बिल्कुल नहीं आती, मेरे को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वो 50 मार्क्स दिख भले कम रहे हो, वेट बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लाया, कितना भी अच्छा, अगर आप 150 में 150 ले आओ, आप पूरे के पूरे मार्क्स ले आते हो, फिर भी आपको 180 लाने के लिए 30 मार्क्स जीएस में चाहिए। 30 बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। तो वहां पे जब रियलाइज हुआ कि यही देखना मेन गेम चेंज करेगा, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा कर लेते हैं आजकल लोग, इंग्लिश भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, जीएस में ही सबसे ना उसे कहते हैं बहुत सारी एग्जाम्स में कि अरे हुकुम का इक्का होता है, फाइनली जो मेरिट लिस्ट आती है ना उसमें सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। यस सर, जी हाँ, तो बात तो सही है यार। आपने ना एक 2 पॉइंट यहाँ मेंशन किए, मैं उनके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, दोनों का बहुत अपना बहुत बड़ा रोल है। आप प्रिपरेशन किसी भी बुक से, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लीजिए, बट सबसे बड़ा रोल आता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का। तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? बिकॉज मॉक टेस्ट में ना कई लोगों से बात करते समझ में आता कि सर ये सही था, वो गलत था, फिर ये डिफिकल्ट था, ये बहुत इजी हो गया, ये इररिलेवेंट था, ये रिलेवेंट था, इसे चूज कर पाना बहुत बार डिफिकल्ट बन जाता है। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और मॉक्स जो हैं वो आप ये कह सकते हो एक आपको दिशा दिखाते हैं एक एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम की तरफ। क्योंकि मॉक्स में आपको ये चीजें बहुत सारी, जैसे आप मेन एग्जाम में जाओगे वहां पे अगर आप नर्वस हो गए तो आपका कितना भी प्रिपरेशन हो आप बेकार हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मॉक्स आते हैं। अब जितना ज्यादा मॉक्स दोगे वो नर्वसनेस चली जाएगी। अब रहा बात इन लोग इनको सेलेक्ट कैसे करें मॉक्स वगैरह को, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो सेम है, आप किसी प्लेटफॉर्म से उठाओ वो वही मिलने वाले हैं। तो आप वो तो कर सकते हो, वो तो ठीक, और वो करें भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो लास्ट फेज हो प्रिपरेशन का, उसमें मॉक्स ना दें, डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी उल्टे सीधे मॉक्स बन जाते हैं, कभी रेलिवेंट नहीं होते उतने। आप उस टाइम पे प्रीवियस ईयर दो, ज्यादा मदद करेंगे।
उसके पहले मॉक्स जरूर दो, क्योंकि आपको ये भी है ना कि कठिन शिफ्ट का भी अंदाजा होना चाहिए। हाँ। आप पता चला इजी शिफ्ट का तैयार करके गए और कठिन में एकदम से नर्वस हो गया, नहीं होगा। तो मॉक्स वो चीज प्रोवाइड कर देते हैं आप कठिन शिफ्ट के लिए। मॉक्स को चूज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस समय आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप एक बार सबका फ्री मिल जाता है। सबसे इजी टास्क है, आप एक बार साइट पे जाओ, सबका एक ना एक फ्री मिल जाएगा, आप एक बार उसको लगाओ और फिर अपने आप से वो आप एनालाइज करके देखो कि कितना रिलेवेंट आपको लग रहा है। डिपेंड करता है आपको कितना लग रहा है, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपको लेके जाना है आगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट, तो आप वो देखो कि आपको रिलेवेंट कौन सा लग रहा है। जो आपको रिलेवेंट लग रहा है आप वो दो उठा लो, उसको अच्छे से लगाओ। मेरे केस में मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बना रखा था कि मैं बुधवार और रविवार इन दोनों डेज को मॉक जरूर दूंगा। टीयर वन की प्रिपरेशन के फेज के टाइम पे मैंने सोचा था मैं देता था बुधवार को और रविवार को। उसके अलावा जब टीयर टू की बारी आई, तो टीयर टू की बारी में क्योंकि आप यूजुअली टीयर वन में सारा टीयर टू का प्रेप कर चुके होते हो, थोड़ा सा पॉलिश देने की डेफिनेटली जरूरत होती है, तो वहां पे क्या होता है समय भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहां पे मैं डेली देने लग गया था। कुछ टाइम मैंने दिया, शुरुआत में टीयर वन हुआ, टीयर वन के बाद कुछ टाइम दिया जब वहां पे मेरे को मैथ पढ़नी थी, वो इतना अच्छे से तैयार नहीं लग रहा था मेरे को, तो वो मैंने किया। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था उसमें केवल मैंने मॉक्स दिए और रिवाइज किया। तो मॉक्स टीयर वन के किस तरीके से देने, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आप प्रॉपर शेड्यूल बना लो उस हिसाब से आप दो, और इसी तरीके से टीयर टू के एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो उस हिसाब से आप मॉक्स दो। ओके, आपने क्या चूज किया था? मैंने टेक्स्ट बुक चूज किया था मॉक्स के लिए, टेक्स्ट बुक है, और इसके अलावा जब टेक्स्ट बुक, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स हैं और एज एन एस्पिरेंट आप बहुत सारे मॉक्स दे सकते हो। मैंने टीयर वन के लिए ऑलमोस्ट 60-70 मॉक्स दिए होंगे। ओके, और टेक्स्ट बुक 25-30 मॉक्स प्रोवाइड करता है। ओके, नीड सम अदर सोर्स एज वेल। उस केस में मैंने एक ग्रेड अप का लिया हुआ था, और इसके अलावा जब लास्ट में बचा हुआ था तो फिर मैंने ऑलिव बोर्ड लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर आप खाली दो सोर्सेज लो और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे, टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाते हैं, आप वहाँ पे ले सकते हो, वो उनको एज अ मॉक देने की कोशिश करो, तो वो प्रॉपर वैसे ही काम करता है। आप तो वो भी बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा देने के लिए। फिलहाल मैंने जो है वो टेस्ट बुक दिया था, ग्रेड अप दिया था, ऑली बोर्ड दिया था, टीयर टू के लिए भी यही तीन सोर्सेस थे जिनको मैंने फॉलो किया। ओके ओके फाइन। अगर हम टीयर वन टीयर टू की प्रिपरेशन की बात करते हैं, अभी तो हालांकि सिलेबस में काफी चेंजेस आ गए हैं, थोड़ा उस एंगल में बात कर लेते, क्योंकि नया सिलेबस है तो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो आप, अब चलो नया सिलेबस तो आ गया, बट स्टिल व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन टेल टू आवर स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी जो पैटर्न है वो टीयर वन बिल्कुल हुबहू टीयर वन का कॉपी टीयर टू में है। हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। चेंज नहीं है। अभी यहाँ पे काम क्या करेगा, जो मैं वो जीएस वाली पोर्शन की बात कर रहा था, हाँ, वो एक बहुत बड़ा रेलेवेंट पार्ट अप बन गया। मैथ्स की वैल्यू थोड़ा सा कम कर दी गई है, इंग्लिश की वैल्यू, इंग्लिश क्योंकि एसएससी में दिन ब दिन ईजी होती जा रही है, ईजी होती जा रही है, तो वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा पेपर अगर ये एज एन एस्पिरेंट उस टाइम पे आपको अच्छा ही लग रहा होगा अगर मैं बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा टफ पेपर इज बेटर देन अ वेरी इजी पेपर। यस, वो जो कंपटीशन वाला सीन है ना, वो मेंटेन रहता है। अगर सबके ही 200 आ गए तो कंपटीशन नहीं दिखेगा उसमें। अगर आप टफ पेपर है तो उस केस में 110 120 130 एक डिफरेंशिएशन जरूर दिखेगा उसमें ना, वो हार्ड वर्किंग और वो बंदा समझ में आता है कि बार ये इसने पढ़ाई की है, ये बस चले गए थे, फॉर्म निकल के चले गए थे। यस सर, तो वो डिफरेंशिएशन तो आ ही जाएगा बिल्कुल। यस सर, टीयर वन का मैं बताया ना, टीयर वन का जो प्रॉपर तरीका है वही अब टीयर टू पे भी फॉलो होगा। तो आप जो टीयर वन में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो और अच्छा हो गया आपके लिए। एक टाइम था जब अभी टीयर वन आप कर रहे थे, फिर उसके बाद एकदम से दो सब्जेक्ट्स कॉल टुगेदर लेट गो करना पड़ रहा है, फिर आपके आप बहुत ज्यादा 200 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, 200 इंग्लिश के क्वेश्चन और 2 घंटे में, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने वाला पार्ट था। अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया कि आप टीयर वन में जो मेहनत कर रहे हो वही टीयर टू में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होने वाले। और जहां तक TCS ही कंडक्टिंग एजेंसी अगर रहती है तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है और फॉर्मेट है वो भी सेम रहेगा। ये मेरी तरफ से अपनी गैस है, मतलब
हाँ ठीक है, वो तो खैर हाँ, अपने हाथ में नहीं है वही, बट एक गैस है कि अगर टीसीएस करा रहा है तो क्वेश्चंस का टाइप वैसा ही रहेगा। हाँ, तो बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो पुराना जो आपके पास जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही करो, बस केवल पैटर्न चेंज हुआ है, सब्जेक्ट्स आपके सेम है, सोर्स आपका सेम है, कॉन्टेंट भी आपका सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा अभी क्या हो गया, अभी इम्पोर्टेंट ये है आप तैयारी वैसे ही कर रहे हो पूरी, प्रॉपर कंटेंट सोर्स सब कुछ वैसे ही कर रहे हो, बस आपको अभी मॉक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं। हाँ, वहाँ पे मॉक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बिल्कुल तो बात एकदम आपकी सही है कि मॉक बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे प्ले करते हैं। यार ठीक है, अभी ने काफ़ी सारी बातें आपकी प्रिपरेशन को लेकर की हुई है, अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपने यहाँ पे सोर्सेज ढूंढे, आपने यूट्यूब पे ये देखा, आपने वो देखा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे, पर ये सोशल मीडिया ना दोधारी तलवार है। यस सर, कि अच्छी भी चीजें हैं और बहुत बुरी भी चीजें हैं, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना हमारे ऐसे हो जाते हैं कि वो उसमें खो जाते हैं। यस सर, इस पे मेरा बहुत ज्यादा पोलराइजिंग ओपिनियन है। सोशल मीडिया का यूज जो है, ऑल्दो उसका इन्वेंशन तो बहुत बढ़िया था कि टू कनेक्ट द पीपल, पर वो अभी बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन चुका है, आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, उसमें यूजुअली जितने भी एस्पिरेंट्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, डिजिटल मिनिमलिज्म करके एक बुक है, वो बहुत बढ़िया बुक है, उसमें काफ़ी बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं, फेसबुक की कुछ अपनी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सोर्स किए हुए हैं कि कैसे एडिक्शन करवाना है, कैसे चीज़ें बेसिकली एडिक्टिव बनानी है। तो वो एज अ प्लेटफॉर्म आपकी गलती नहीं है, वो एज अ प्लेटफॉर्म डिजाइंड ही है कि आप उस पर जाके ज़्यादा समय बर्बाद करो। तो सबसे बढ़िया आप ये है, ऑल टुगेदर यू शुड लेट गो। इंस्टाग्राम है अपनी, एटलीस्ट अपनी प्रेप के फेज में जरूर आप हटा दो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गए, जो भी है, क्योंकि इससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होने वाला, और अनप्रोडक्टिव काम अपनी प्रेप के ड्यूरिंग ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है, आपका समय बचेगा, आप उसको, और दूसरा एक और भी इसका आस्पेक्ट रहता है, खासकर एक डिप्रेशन वाला एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि उस तरीके का माहौल बन जाता है, आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हो, यू सी एवरीबॉडी हैप्पी, यू डोंट नो एवरीबॉडी इज हैप्पी, यस, बट यू सी एवरीबॉडी हैप्पी, वहां पे क्या होता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट दैट लकी। वो चीजें ओवर द टाइम कैसे बिल्डअप हो जाएंगी, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगी, यू नेवर नो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ऑल्दो मैं एसएससी वाले फेस से थोड़ा सा भटक गया, नहीं पर ये एसएससी वाला फेस का सीन नहीं है, ये इतना ओवरऑल ओवरऑल प्रिपरेशन का पार्ट है, मीन्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। यस सर, और वो अच्छा भी है, बिल्कुल, जैसे आपने भी प्रिपरेशन की है यूट्यूब से और बाकी भी सोर्सेज आपने यूज किए, पर इसमें ना ऐसा भी होता है कि लोग भटक जाते हैं, दैट्स व्हाई इसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बात करना सीरियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि भटकना नहीं चाहिए। सर यूट्यूब के रिगार्डिंग जो मेरा अपना इंस्टेंस रहता है, यूट्यूब बहुत मैच्योर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडियाज, अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली सोशल मीडिया का डेफिनेशन क्या है, मेरी अपनी डेफिनेशन ये है कि YouTube को मैं एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रखता। ओके, इंडिविजुअल पर्सन कंटेंट शेयर जरूर कर रहा है, हाँ, वो जो एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो डेफिनेटली फॉलो करता है YouTube ही, बट एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। हाँ, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ YouTube से सीख सकते हो, बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। मेनली जो आजकल एजुकेशन सेक्टर जितना यूट्यूब पे ग्रो किया है वो बहुत कमेंडेबल है, खासकर कोरोना के टाइम से जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, एग्जैक्टली, एक बिट भी वो प्रोडक्टिव नहीं है। आप इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के अपने आप को कोसोगे, नॉट गुड, आपकी प्रेप में कुछ हेल्प नहीं होगी, आई डोंट थिंक कि आप वहाँ पे जाओ, अपने आप को परेशान करो। मेरा अपना इंस्टेंस ये है, मैं खुद कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करता, मैं केवल यूट्यूब यूज करता हूँ, और पर्सनल कनेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म है, आप अगर नंबर सेव है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं नहीं मिलेगा। सो व्हाट्सएप तो कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा जो मेन ये जो मेटा से रिलेटेड है, जितने भी प्लेटफॉर्म, मेटा वगैरह हो गया या ट्विटर वगैरह हो गया, इन सबसे थोड़ा सा दूर रहो, टॉक्सिक माइंडसेट रहता है बहुत ज्यादा, अपने आप को बहुत ज्यादा, अगर आप कंट्रोलिंग नेचर के हो तो उस केस में आप अपने आप को रोक सकते हो, बट इतना होता नहीं है, होता मुश्किल नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, प्रिपरेशन फेज में तो चीजें बहुत होती है, ठीक है, बिल्कुल बात सही। मैं थोड़ा प्रिपरेशन के एंगल में वापस एक बार बात करूंगा
कि जब होता है ना कि डिप्रेशन फेज में एक चीज़ आती है यार कि मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, थोड़ी चीज़ें निगेटिव जा रही है, या फिर ये बातें हो रही है, फॉर्म शायद निकलेंगे शायद नहीं निकलेंगे, एग्जाम जैसे आपके टाइम पे एग्जाम पोस्टपोन भी हो गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता भी है यार कि शायद हो जानी चाहिए, होगी नहीं होगी, तो इस माइंडसेट से आप बाहर कैसे निकले, इसको कैसे टैकल किया आपने उस टाइम पे? क्योंकि 2020 वालों से बेटर कौन जानता है इस चीज़ को लेके कि प्रिपरेशन के दौरान नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर उसके बाद मतलब वो जो अनडिफाइंड अनसर्टेन चीज़ें होती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। मेरा अपना मोटो रहा है कि जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन पे ओवर थिंक करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेस्ट। सो मेरा ये था कि मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से जो पार्ट प्ले करना है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे को ये क्वेश्चन लगाना, ये क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा वो इम्पोर्टेंट रहता है। अभी एग्जाम का थोड़ा सा नहीं सोचते हैं, पहले एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत लेजिट प्रॉब्लम है, सब लोग नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा एक ट्रुथ है कि बहुत लोग इससे गुजरते हैं कि नोटिफिकेशन या रहा, माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने लव्ड वन से बात करो, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आप बेटर फील करोगे। इसके अलावा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते ना हम इसका, क्योंकि मॉक्स वगैरह के टाइम पे भी आप दे रहे होगे, नंबर कम आ रहे होंगे या स्टैगनेंट हो गई आपकी पोजीशन, तब आप फ्रस्ट्रेट हो गए। ये सारी सिचुएशन या हर एक एस्पिरेंट जाता है, ऑल्दो कोई शो ना करे वो अलग चीज़ है। क्योंकि अभी मैं अगर दिख रहा है क्या, मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, मेरी AIR 61 आ गई, उसके बीच का फेज क्योंकि सबको नहीं पता होता, वो हाईलाइटेड फेज नहीं होता बिल्कुल, बट वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एस्पिरेंट उससे आता है कि आप वहाँ एक स्टैगनेंट पोजीशन पर रह गए, आपके मार्क्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उस केस में आप लगे रहो, करते रहो, आप अपनी तरफ से पार्ट जो प्ले करना है वो करते रहो। उसको मत छोड़ो कि अच्छे नहीं आ रहे मार्क्स तो आज मैं कल पढ़ूंगा नहीं, नहीं आ रहे फिर भी पढ़ो। अगर करते जा रहे हो, पेशेंस है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल अच्छी होती है। एग्जैक्टली यही पॉइंट ना हम कई बार मेंशन भी करते हैं, और ये ना डिफाइन करता है एक एस्पिरेंट और एक ऑफिसर को, जो माइंडसेट होता है ना एक एस्पिरेंट का और एक ऑफिसर का। प्रिपरेशन लाखों लोग कर रहे हैं, सिलेक्ट तो बस थाउजेंड्स के अंदर ही हो रहे हैं ना सिलेक्ट, तो ये डिफरेंस तभी क्रिएट करेगा बिकॉज आप लगे रहे। और आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा जो आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि हाँ ये बात सही है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, हम उसके बारे में सोच रहे, एग्जाम पोस्टपोन हो गया हम उसके बारे में सोच रहे, पर हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, तो क्यों टाइम पर बात करना है उसमें। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि यही डिफाइन करेगा कि आपका ऑफिसर माइंडसेट क्या है और कॉमन मैन का माइंडसेट क्या है। सो कॉमन मैन बन के रहना या ऑफिसर होना है, तो चूज कीजिए। यस, एक और चीज़ प्रेफरेंसेस, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और बहुत सारे लोग ना, आपका भी प्रेफरेंस कुछ ना कुछ रहा होगा। यस सर, तो उसका कितना बड़ा रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन के दौरान बहुत बड़ा रोल तो नहीं था। मेरे नहीं था, नहीं, प्रेफरेंसेस का रोल बहुत बड़ा नहीं था। ओके, क्योंकि जब मैंने प्रेप शुरू करी थी तो मेरा माइंडसेट ये था कि आई नीड टू गेट अ जॉब। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट जॉब चाहिए, बढ़िया, ये वाली वो वाली नहीं, जस्ट जॉब। तो उस केस में क्या हुआ, एक तो वो एक प्रेशर नहीं रहा कि मेरे को अगर एमईए ही लेना है तो इतना मार्क्स चाहिए चाहिए। जो लोग मैच्योर हो चुके हैं, 3 बार दे चुके हो आप, 2 बार दे चुके हो, उनके केसेस में डेफिनेटली आता है दिमाग में ये चीज़ें। मैं फर्स्ट टाइमर था तो मेरे लिए था कि मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, मैं केवल मेरे को एक जॉब चाहिए, कोई भी मिले और एक बार मिल जाती है, फिर मैं जो आगे करना है वो कर लूँगा। तो उस प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने प्रेफरेंसेस का तो नहीं सोचा था, आइडिया मेरे दिमाग में ज़रूर था। क्योंकि जब मैंने SSC मेरे को पता चला था, तो जब आप सर्च करोगे यूजुअली SSC क्योंकि बहुत पॉपुलर पोस्ट है MEA, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाती है और थोड़ा चार्मिंग पोस्ट भी, चार्मिंग है, तो उसके बारे में जब जानकारी हुई तो मेरे को लगा ये अच्छी पोस्ट है। वो देख के, मैं और कोई पोस्ट देखी नहीं थी, वो देख के फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं, जो मिल जाएगी बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है। उसके बाद जब हो गया सब कुछ, पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद जब प्रेफरेंस का फॉर्म आया, उस टाइम पे एग्जैक्टली मेरे को ये पता चला कि कितनी है पोस्ट, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं। उस टाइम पे इतना कठिन हो गया था वो फॉर्म भर पाना, क्योंकि मेरे को ये पता था फर्स्ट क्या है, सेकंड थर्ड का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। उस केस में मैंने फर्स्ट भर दिया, फिर बहुत ज्यादा सोच समझ के, मतलब घर वालों से बहुत सारा डिस्कशन कर करा के 3 तक तो मैंने भरा था। उसके बाद तो बस लगा दिया, क्योंकि जब मैं DV कराने गया था तो जो सर भर रहे थे,
तीन के बाद उनको ऐसा था कि D21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से वो लाइन से जाता क्योंकि वो ज्यादा नहीं है ना मतलब सबका लाइन से, तो उन्होंने बोला कि ये जस्ट भर लाए क्या तो और ज्यादातर या तो लोग भरते नहीं है और या तो भरते हैं तो 150 समझ के भरते हैं। मेरे केस में ये था कि भर तो तीन तो बढ़िया भर दी, उसके बाद इसलिए मैंने भरी थी क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे कि तीन में नहीं रोकना है, भरना सारी है, तो भर दी सी सारी क्योंकि अनफॉर्चुनेट अगर कुछ हो जाए तो उस केस में ना पछतावा। एक मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है भैया कि कुछ जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वो तो बात सही है। पर ना एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये यूनिक पॉइंट है यार कि प्रिपरेशन करते वक्त ना वो दिमाग में नहीं रखना है कि मुझे यही पोस्ट चाहिए वही पोस्ट चाहिए, प्रिपरेशन करो यार, अपने प्रिपरेशन का अपना एक फेज होता है, जस्ट जस्ट फोकस ऑन दैट, जो मिलना है वो मिलना है, अगर ट्रूथ रहे तो वही मिल ही जाएगा ना। इसका एक और पॉइंट है, बड़ा बड़ा सा ही नाजुक सा पॉइंट है, रिजर्वेशन के वो माइंडसेट रख के भी लोग बहुत सारे प्रिपेयर करते, मैं उसको टच नहीं करूंगा पर आपकी क्या सोच है मैं जानना चाहूंगा कि यार रिजर्वेशन को ध्यान में रख के प्रिपरेशन होती है नहीं होती, आप क्या सोचते हो सर? क्योंकि रिजर्वेशन बहुत वो एकदम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप पहुंच गए तो आपकी प्रिपरेशन तो गई, आप उसको मत सोचो, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उस पर ट्राई करो। और रही बात रिजर्वेशन की, तो वो सही है या नहीं है उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल वो जो पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना है वो उनकी करेंगे। नहीं बस वही था मेरा पूछने का कि यार ना बहुत बार स्टूडेंट्स वो पढ़ते हो, हमें भी फोन करके बोलते हैं, हमसे भी सोशल मीडिया पर टच होते हैं कि सर मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैंने कितना पढ़ना चाहिए, तो यार बहुत बार मुझे लगता है ये क्यों सोच रहा है तू। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस मेरे फादर देते हैं कि अगर आपने प्रिपरेशन के दौरान ये सोचा कि मैं इस कैटेगरी से हूँ तो मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा। बिल्कुल, आप हमेशा अपने आप को जनरल मान के चलो, हमेशा जनरल कैटेगरी में ट्राई करो, उसी से फाइट करने की कोशिश करो। आपके पास अगर एक एडवांटेज है वो एक सॉफ्टपैड आपके पास है उस चीज का कि रिजर्वेशन से मैं बाउंस बैक कर जाऊंगा, तो उसको आप ऐसा प्लस देखो, इंक्रीमेंट देखो उसको। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बेसिस पे ही प्रिपरेशन कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा जनरल फाइट करो, ठीक है, मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है अच्छी बात है। एग्जैक्टली बहुत ही सही, दैट्स रियली वेरी गुड पॉइंट यार। ना अभी थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते, काफी सारी बातें मैं पर्सनली कहूंगा ना, बहुत सारी बातें सीखने को भी मिली है। एक माइंडसेट जो होता है ना वो बहुत बढ़िया सा आपसे डिस्कस करके लगा और एक पॉजिटिव वाइब्स भी काफी सारी आई। आप जिस बैकग्राउंड से आपने शुरुआत की थी, बहुत सारे लोग यूपीएससी वाले थे, तो क्या अभी वापस यूपीएससी में जाओगे? चांसेस आर देयर, ओके, बट आई हैवंट थॉट अबाउट इट मच। जब से रिजल्ट आया हुआ है तब से ज्यादा नहीं सोचा है मैंने इस बारे में। मैं थोड़ा सा अभी इस फेज में हूँ कि थोड़ा सा लाइफ को चांस देते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। एक बार फिर से जब मैं जाऊँगा वापस मिनिस्ट्री वगैरह में काम होगा, उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार वही सिचुएशन जो आएगी कि अब आगे क्या करना है, तब डिसाइड करूंगा। अभी बहुत नहीं सोचा है बट चांसेस आर देयर आई विल गो फॉर यूपीएससी। यू डिजर्व यार, यू डिजर्व मीन्स जिस तरीके से आपने एसएससी को इतने बखूबी हैंडल किया, मैं तो चाहूंगा कि यार ऐसे माइंडसेट के लोग उस बड़े पोजीशन पे रहे, तो दैट्स गुड। चलो तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और जॉइनिंग का कुछ है, कब से है क्या है? सर जॉइनिंग मोस्ट प्रॉब्ली 1 month के बाद, वही अर्ली दिसंबर में हो जानी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे आपकी जॉइनिंग के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे के जर्नी के लिए भी। उम्मीद करते हैं कि वापस एक बार हमारे दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा आपके एक्सपीरियंसेस को। जब एक बार आप ज्वाइन करोगे तो वापस एक बार जुड़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच पर्सनली, लाइक बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। सो ऑल द वेरी बेस्ट और घर वालों को भी बोलिएगा बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, बिकॉज उनकी भी बहुत मेहनत है जो हम बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और आपके भाई साहब को भी बोलिएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमें देने के लिए, बिकॉज उन्होंने आपको परस्यू किया और आप यहाँ तक पहुंचे, तो उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यस सो गाइज, ये थे हमारे ऑफिसर और ट्रू ऑफिसर, इसी माइंडसेट के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी वेल प्लान्ड तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। आज इनके साथ बात हुई, कल आपके साथ मुलाकात होगी, यही हम चाहते। सो ऑल द वेरी बेस्ट, विल सी यू सून। टेस्ट बुक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।